हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि बात कर रहे थे कि रोटेशन के बाद नया चैप्टर ग्रेविटेशन शुरू करें, लेकिन नहीं, SHM पहले कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेविटेशन इज नॉट ए मतलब टफ चैप्टर, उसको हम नहीं मानते हैं। एक बेसिक सा कंसेप्ट है उसमें जो हम आगे डील करेंगे, तो पहले हम खत्म कर लेते हैं SHM, जो कि बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से SHM बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम इसमें करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें मतलब दो तीन कंसेप्ट मर्ज किया है, थोड़ा सा आपको प्रोजेक्टाइल टाइप भी प्रॉब्लम ये लग सकता है, बट ये प्रोजेक्टाइल का नहीं है, ये थोड़ा सा SHM का है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी हम पिछले लेक्चर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अभी हम कुछ टफ टाइप नहीं करवा रहे हैं। तो आइए एक बेसिक सा क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करेंगे। सो ए स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ दैट इज 4.9 मीटर। द अदर एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज फिक्स्ड, तो जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, और इसका नेचुरल लेंथ इज दैट इज एल नोट दैट इज 4.9 मीटर। और एक एंड को हम क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। द सिस्टम लाइज ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस। द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 मीटर एंड रेस्ट एट t इज इक्वल टू जीरो। तो अब क्या किए, इसको 0.2 स्ट्रेस्ड कर दिए हैं। सो 0.2 यानी कि यहां से x का वैल्यू आपको क्या पता चल गया, 0.2 मीटर। अब इसको हम क्या किए, स्ट्रेस्ड कर दिए हैं। उसके बाद ये दो दो मोशन इसमें होगा, उसके बाद इधर से हम क्या किए, एक बॉल को 45 डिग्री v वेलोसिटी से 45 डिग्री तो थोड़ा चलता रहेगा, एंड देन इट कंटिन्यू एग्जीक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड साइमल्टेनियसली एट t इज इक्वल टू जीरो। ए स्मॉल पीबल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v फ्रॉम ए पॉइंट P, एन एंगल तो आपको दिख रहा है 45 डिग्री, विथ एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल, और विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट O। इफ द पीबल हिट द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इफ द पीबल हिट द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां से v का वैल्यू आपसे पूछा है। सो इंडीड इट्स ए कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब क्या है कि ये सरफेस जो है आपको फ्रिक्शनलेस तो दे दिया हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन का आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, यानी इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और ये जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जब SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट मींस ओमेगा का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है दैट इज पाई बाय 3 रेडियन पर सेकेंड। इफ द पीबल हिट्स द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड फाइंड द v, तो इस v का वैल्यू आप बताइए कि v का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल जवाब है कि ये जो है थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का हम थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे। तो जब भी अब IIT का क्वेश्चन रहेगा तो दो तीन कंसेप्ट को मिक्स मर्ज करके एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो इसमें पहले भी हम बता चुके हैं कि जब भी हम IIT का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट आपको एक ही प्रॉब्लम में सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये SHM का है, तो SHM का है तो ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, इस टाइप से इसका ट्रू एंड फ्रो मोशन होगा। अब ऐसा सोचिए, इस ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे, तो ब्लॉक को स्ट्रेस्ड किए हैं, तो स्ट्रेस्ड यहां पे जाएगा 0.2 मीटर
फिर आएगा मीन पोजीशन पे, फिर ये जाएगा इस पोजीशन पे, और ये भी आपका क्या रहेगा 0.2 मीटर, यानी 0.2 मीटर आगे भी जाएगा, 0.2 मीटर ये पीछे भी जाएगा, यानी कि लास्ट में यहां पे। तो ध्यान से देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, दिस इज मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये आपका क्या हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका हो गया मीन पोजीशन। अब टू एंड फ्रो इसका मोशन करता रहेगा, तो आपसे पूछ रहा है कि ये v का वैल्यू क्या बताइए, और दोनों हिट कर रहा है, ये समझिए कि पीबल हिट द ब्लॉक, यानी कि एक दूसरे को हिट करेगा, और कितना सेकंड बाद करेगा, तो टी इक्वल टू 1 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को हिट करेगा। तो पहले हम ये तो देख लें कि टी इक्वल टू 1 सेकंड पे ये कहां पे रहेगा और ये कहां पे रहेगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को हिट करेगा। फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन का आपको टेंशन नहीं लेना है, दिस इज सरफेस दैट इज फ्रिक्शनलेस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया अगर ये फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसमें अगर हम देखें तो इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। आपको बस लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत, मतलब ये डिस्टेंस देके, इसका आपको इलोंगेशन देके, बस ये क्वेश्चन को बस क्या ट्विस्ट करने का कोशिश किया गया है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का, अगर हम अगर टू द पॉइंट इस क्वेश्चन को अगर हम सोचे तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को हिट करेगा, और कितना समय बाद हिट करेगा, तो 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में, अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो पीबल है, ये कितना, इसको 1 सेकेंड में अगर हम देखें तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखना है, तो ये तो आपका क्या है, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तो सिर्फ इधर से आएगा, हिट करेगा, और ये क्या है, टू और फ्रो मोशन करता रहेगा, यानी आगे पीछे आगे पीछे। ये तो इस टाइप से, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आगे पीछे इस टाइप से मूव करता रहेगा, और इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है 4.9, तो ये अगर गया तो आगे क्या हो जाएगा 5. इस टाइप से ये टू और फ्रो मोशन करता रहेगा, और जब हिट करेगा आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद अगर ये हिट करता है, तो इसका अगर हम टाइम निकाल लें तो क्या आता है 2v sin theta / g। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से हम निकाल लेते हैं, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब इसको ये हिट करता है, तो जब तक ये नीचे नहीं आ जाता तब तक हिट नहीं करेगा, सो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्योंकि आफ्टर 1 सेकेंड बाद ही ये हिट कर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी इज टाइम, आपको पता है कि ये जब हिट करेगा तो कितने सेकेंड बाद हिट करेगा, तो ये आपको दिया हुआ है कि 1 सेकेंड के बाद ये नीचे आएगा और इसको हिट करेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है वी का वैल्यू बताइए, तो थीटा आपको क्या दे दिया हुआ है, थीटा आपको दे दिया हुआ है 45 डिग्री, वी का वैल्यू वी रखें, साइन 45, जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं, और ये आपका आपको 1 सेकेंड है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में था प्रोजेक्टाइल का, और इसको इस टाइप से मतलब क्रिएट किया गया कि मतलब ट्विस्ट करने के लिए इसको इस टाइप से ये 10 दे दिया गया आपका इलोंगेशन, तो ये बस एक ट्विस्ट। कभी कभी मतलब आईआईटी का लैंग्वेज इस टाइप से आपको दिया रहेगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, वरना ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, आफ्टर 1 सेकेंड बाद ये इसको हिट करेगा तो हिट करेगा, तो वी का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, वी का वैल्यू सिंपली आ जाएगा यहां से क्या, तो 1 बाय ये हो जाएगा 1/√2 इंटू 2 इंटू वी, और इधर क्या हो जाएगा 10, तो वी इधर हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहां से आपका आ जाएगा वैल्यू, तो ये आपका 10 इंटू, और ये √2 से √2, तो ये √2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका डिवाइड में √2 चला जाता है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर रूट के अंदर रखें तो ये आपका क्या आ जाएगा 100 / √2, रूट के अंदर दोनों को हम ले लेते हैं,
तो ये आपका आ जाएगा रूट फिफ्टी। तो v का वैल्यू आपका आएगा रूट फिफ्टी मीटर पर सेकेंड से, यानी कि जब ये हिट करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू रूट फिफ्टी। तो इसमें कहीं से भी ये क्वेश्चन SHM का नहीं था, इसमें कुछ भी हम नहीं लगाए। बाकी आपको लगेगा कि इसमें हम टाइम निकाल लेते हैं, इसका टाइम कितना कहाँ हिट करेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता था अगर टाइम पीरियड आपसे पूछ लेता कि इसका टाइम पीरियड बताइए, दैट इज 2π/ω, ओमेगा आपको पता था π/6 है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से था और बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ट्विस्ट किया हुआ था ये क्वेश्चन कि आपको लगे कि ये 10 का भी कुछ ना कुछ यूज होगा, इसका इलोंगेशन का भी कुछ यूज होगा, अब ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का भी कुछ ना कुछ यूज होगा, 4.9 का भी कुछ यूज होगा। बेसिक क्वेश्चन था कि अगर ये हिट किया तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2v sin θ। ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, 2v sin θ/g। और यहां से आप बेसिकली क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन होपफुली 1 या 2 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन था नहीं। और ये प्रॉब्लम जे एडवांस 1985 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका SHM का है, और ये बहुत बेसिक, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम था, और ये आपका प्रॉब्लम 6 मार्क्स का था। तो आइए इसको हम कवर करते हैं। टू लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट दैट इज K1 एंड K2 एंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m। तो इसका मास आपको दे दिया हुआ है, स्मॉल m का मास, और मास आपको क्या दे दिया हुआ है, दैट इज 200 ग्राम। तो इसको अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 1000, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/5 kg। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 0.2 kg। अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप 100 से डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 0.6 मीटर, और इसका वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, 120 सेंटीमीटर। लेट मी चेक, हाँ दिस इज सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है कि टू लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2, और उसका मास आपको दे दिया हुआ है एक ब्लॉक का, जिसका मास आपको दे दिया हुआ 0.2 kg, और सारा लाइन, तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि AB सरफेस है, और सरफेस आपको क्या दिया हुआ है, स्मूथ हॉरिजेंटल, यानी कि स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस। तो ये आपको स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस दिया हुआ है, इफ द ब्लॉक मूव्स विथ वेलोसिटी दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड इन स्प्रिंग, सो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि टाइम पीरियड आपसे पूछ रहा है, या आप बताइए उसका टाइम पीरियड। सो इंडीड इट्स ए गुड प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिए, ये कैसे क्या होगा, ये आपस में आएगा और स्मूथ है, यानी कि फ्रिक्शनलेस है, तो यहां से फ्रिक्शन का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, दिस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो क्या होगा, ये पहले जाएगा डी पॉइंट पे जाके टकराएगा और ये कंप्रेस्ड होगा, फिर ये वापस आएगा अपने मेन पोजीशन पे, फिर यहां पे कंप्रेस्ड होगा और इस टाइप से टू एंड फ्रो इसका मोशन करेगा। यहां पे जाएगा वी वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी इसका कम नहीं होगा, क्योंकि यहां से आपको दे दिया दिस इज हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस, तो ये जाएगा और यहां पे कंप्रेस करेगा, यानी कुछ इस टाइप से इसका फिगर बनेगा, समथिंग कंप्रेस्ड होगा, और फिर जितना से कंप्रेस्ड होगा वापस से इधर आएगा, फिर इस पोजीशन पे ये जाएगा और इस टाइप से इसका मोशन चलता रहेगा टू एंड फ्रो। इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक। के का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है, K1 का वैल्यू भी दे दिया हुआ है, K2 का भी वैल्यू दे दिया हुआ, और बीच में मास भी आपको दे दिया हुआ है। सो इसमें हर चीज आपको एक एक करके एनालाइज किया गया है कि K1 का वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, दैट इज 1.8, इसका वैल्यू आपको 3.2, और इसका मास आपको दे दिया हुआ है 200 ग्राम।
तो इसका अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, हालांकि क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा क्वेश्चन। इसका मोशन आप समझिए कि ये जाएगा पहले, ये सपोज दैट ये पोजीशन इसका पी ले लेते हैं, तो पी से पहले डी तक पहुंचेगा, डी तक जब पहुंचेगा उसके बाद फिर ये कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करेगा उसके बाद फिर इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करेगा तो फिर वापस से इधर आएगा, यहां तक आएगा, फिर इसके पास वेलोसिटी तब तक इस डायरेक्शन में भी वी है, फिर इस डायरेक्शन में वी हो जाएगा, फिर इसको कंप्रेस्ड करेगा, फिर ये पोजीशन, लेट्स दिस पोजीशन इज क्यू, दिस इज पोजीशन पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो पहले पी से डी तक पहुंचेगा, फिर डी से ये आर पोजीशन पे पहुंचेगा, और फिर आर से वापस से ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट करेगा और ये इस पोजीशन तक जाके पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड बताइए कि एक बार जब ये ऑसिलेट करे, तो ऑसिलेशन का हम आपको बता देते हैं सारा के पॉइंट, यानी कि पहले पी से ये डेफिनेटली डी तक पहुंचेगा, पी से डी तक पहुंचेगा, अभी तक कोई मतलब इसका पास वेलोसिटी वही रहेगा 1.2 मीटर पर सेकेंड, इसके पास यही वेलोसिटी रहेगा, पी से डी पहुंचेगा और डी से ये कंप्रेस करेगा तो ये आर पोजीशन पे पहुंचेगा। तो आर पोजीशन पे आ गया, फिर क्या होगा, ये आर पोजीशन से फिर वापस आएगा, वापस से फिर डी पोजीशन पे आएगा, फिर वापस से फिर ये पी पोजीशन पे आएगा, और उसके बाद फिर इसका जो वेलोसिटी है जो कि इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में होगा, अगेन वी विल डूइंग सेम वॉक, पी से अब ये जाएगा ऑफ कोर्स सी जाएगा, सी से ऑफ कोर्स फिर जाएगा क्यू, अब क्यू तक पहुंच के सी तक पहुंचेगा, इसके पास वेलोसिटी क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड, अब फिर ये क्या करेगा, कंप्रेस्ड करेगा, अगेन वी विल डूइंग सेम वर्क कंप्रेस्ड। तो अगर ये कंप्रेस्ड कर देता है तो फिर वापस से ये किस पोजीशन पे चला जाएगा, सी से कंप्रेस्ड करेगा, समथिंग कंप्रेशन होगा उसका, आपको 1.2 न्यूटन पर मीटर, इसका आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 3.1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, तो यहां तक, फिर वापस जाएगा सी पोजीशन पे, और सी पोजीशन से फिर वापस से यही काम होगा, यानी कि अगेन वी विल रीट्रेस रीट्रेस देयर पाथ, रीट्रेस देयर पाथ, ये अपने पाथ को फिर रीट्रेस करेगा, पी से सी गया, सी से क्यू गया, अब क्यू से फिर वापस से सी पोजीशन पे जाएगा, और सी पोजीशन पे फिर वापस जाके पी पोजीशन पे, यानी कि फिर क्या करेगा, रिट्रेस। एग्जैक्टली आपसे पूछा है कि इतने टाइम, इसमें इसमें कितना टाइम लगेगा, तो जैसा कि टाइम पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला है 2π√(m/k). अब क्या है कि ये जब ये डी से आर जाएगा तो ये फुल तो टाइम पीरियड इसका नहीं होगा, क्योंकि ये फिर गया कंप्रेस होगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वापस से इलोंगेट होगा, तो क्या हम टी लिखे, एग्जैक्टली जब डी आर टाइम पीरियड फॉर डी से आर पे अगर हम बात करें, डी से आर पे बात करें, तो वो क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंप्रेशन हुआ है ना, अभी तो ये मेन पोजिशन पे आया है, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, तो इसका पोजीशन तो कुछ ऐसा होगा ना कि पहले जब कंप्रेस्ड किया तो इस पोजीशन पे आया, समथिंग इलोंगेशन कंप्रेशन एक्स हुआ, तो ये अभी मेन पोजीशन पे गया, फिर ये यहां पे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस से आएगा इस पोजीशन पे, तो टू एंड फ्रो इसका मोशन चलता रहेगा। तो क्या हम टी लिख दे, बिल्कुल नहीं, टी नहीं लिख सकते हैं, T/2 लिखेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ कंप्रेशन हुआ है ना, फिर आगे भी जाएगा फिर पीछे भी आएगा, तो ध्यान से देखिए, ये जब ये dr डिस्टेंस है तो ये T/2 होगा, यही इस क्वेश्चन का मतलब कोर है, इस क्वेश्चन में जो आप ये देख रहे हैं 6 मार्क्स का, तो यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ये कंप्रेस करेगा तो वहीं रुक नहीं जाएगा, फिर आगे भी जाएगा, सब्सिक्वेंटली उस फ्रिक्वेंसी से ये आगे भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मीन पोजिशन बीच में आएगा, मीन पोजीशन, फिर इसका एक्सट्रीम पोजीशन आएगा, फिर वापस से जब इस पोजीशन पे आता है
तब ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। तो एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, ऐसे इस टाइप से ये मोशन करते रहेगा। तो एक टाइम पीरियड होता है, तो जब भी आपको वन टाइम पीरियड कह रहा है, इट मीन्स कि एक बार ए पोजीशन पे गया, फिर बी पोजीशन पे गया, फिर सी पोजीशन से। तो अगर आप देखें कि वन टाइम पीरियड हो, तो वन टाइम पीरियड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में ये मीन पोजीशन होना चाहिए, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन होना चाहिए। दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो ए से बी से ये जा रहा है आर पॉइंट पे जाएगा, मतलब एक मीन पोजीशन आएगा और ये आपका आर पोजीशन। तो ये दो बार जब ये इधर से मूव करता है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब आप कहते हैं कि वन टाइम पीरियड है, तो डी से आर जाता है, फिर आर से वाई, यानी कि रीट्रेस देयर पाथ। जब तक वो अपने पाथ को रीट्रेस नहीं करता है, तब तक हम उसको वन टाइम पीरियड नहीं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस आपको यही समझना है कि ये जो हो जाएगा डी से आर में, ये फुल टाइम नहीं जाएगा, यानी कि एक बार कंप्रेस्ड होगा, फिर वो जीरो होगा, फिर मीन पोजीशन आएगा, फिर यानी कि एक पोजीशन ही आएगा। तो दिस इज नॉट ए फुल टाइम पीरियड, दिस इज हाफ टाइम पीरियड। ये बात अगर आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी आपका हो जाएगा। सो यहां तक अगर बात समझ में आए, तो ये इसमें जो होगा सिमिलरली, जब तक ये पाथ को रिट्रेस नहीं करता, तब तक एक टाइम पीरियड नहीं कहलाएगा। यानी पहले कंप्रेस्ड करेगा, फिर मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस से ये वही आ जाएगा। और सरफेस आपको फ्रिक्शनलेस दे दिया है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना, यानी कि ये रिट्रेस पाथ करेगा, तब एक टाइम पीरियड होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2π बाय ओमेगा ये फॉर्मूला लगा दिए और आपका डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं। तो इसका हाफ होगा, तो टी बाई टू, तो इसका हाफ अगर हम करते हैं तो डिवाइडेड बाई टू, सो यू विल गेट दैट इज पाई एम बाई के। तो ये अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसमें भी फुल टाइम पीरियड नहीं होगा, टी बाई टू होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा टी बाई टू, और यहां पे तो वेलोसिटी वही होगा। क्या आपको डिस्टेंस दे दिया हुआ है, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी आपको 1.2 दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये आपका हो जाएगा सिंपली 0.5, 1/2 दैट इज 0.5 सेकेंड। तो इसके बीच में तो इसको मात्र कितना टाइम लगेगा, हाफ सेकेंड लगेगा। तो इधर 0.5 सेकेंड, इतना डिस्टेंस कवर करने में इसको लगेगा। और टाइम पीरियड का मतलब है कि पूरा पाथ को रिट्रेस करे बस। अब ये एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर, तो टोटल अगर देखेंगे तो हाफ जाने में और हाफ आने में, तो टोटल 1 सेकेंड तो यहीं पे हो गया, और बाकी ये वाला और ये वाला। तो अगर हम फुल टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड के लिए हम क्या लिखेंगे कि सारा का एक, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई बाय रूट ओवर एम बाई के। तो मास आपको कितना दे दिया होगा 0.2, सबको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, एसआई यूनिट में सबको, के आपको दिया हुआ है 1.8 एग्जैक्टली। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपका हम क्यू से सी की बात कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड के लिए ये आपका टाइम है क्यू सी, नीचे लिख देते हैं दिस इज क्यू सी, क्यू से सी के लिए टाइम है एग्जैक्टली। ऐसे ही हम फिर आधा सेकेंड तो यहां पे लगेगा, आधा सेकेंड आने में, आधा सेकेंड जाने में, यानी टोटल जब तक पाथ को वो रीट्रेस नहीं कर लेता है, तब तक आप उसे वन टाइम पीरियड नहीं कहिएगा। सो रीट्रेस देयर पाथ, रीट्रेस देयर पाथ, रीट्रेस देयर पाथ, पाथ को रीट्रेस नहीं करता, बस हाफ नहीं होगा। अगर इसका टाइम पीरियड आपसे पूछेगा तो सिंपली हाफ नहीं होगा, हाफ तो सिर्फ जाने में, फिर वापस आने में। तो यहां पे 1 सेकेंड तो डायरेक्ट यहीं पे आपका आ गया, और यहां ध्यान से देखिए ये गया तो फिर वापस भी आएगा। तो जब तक वो पाथ को रिट्रेस नहीं कर लेता, उसका टाइम पीरियड आप नहीं कह सकते। यानी कि पहले जाएगा एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस से मीन, फिर वापस से एक्सट्रीम अगर गया, तब उसका वन टाइम पीरियड कहलाएगा।
तो बस अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। फिर ऐसे ही हम किसका dr की बात कर लेंगे, तो उसमें भी हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 3.2, तो ये आपका आ गया। और एक बार आएगा, एक बार जाएगा, फिर वापस से आएगा, फिर उसी पॉइंट को रिट्रेस जब तक पाथ नहीं करे, तो ये 2 times यहां से हो जाएगा। बस सबको अब ऐड कर देंगे, तो ये हाफ सेकेंड जाने में, हाफ सेकेंड आने में, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 1 second। तो यहां से आप बस प्लस 0.5 प्लस 0.5 second, अब बस इसको इजी कर लीजिए, यही आपका आंसर है। दिस इज योर हॉल आंसर 0.05 second। इसका आपका आ जाएगा 0.785, और ये 0.5 प्लस 0.5, दैट इज 1 second। तो इतना सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। तो इसमें T/2 था, इसमें T/2, और इसमें हाफ सेकेंड जाने में, हाफ सेकेंड आने में, दैट इज 1 second। इसका ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये आपका। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। दिस इज आस्क्ड इन JEE 1985 विथ 6 marks।